हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप दाल पीठी या दाल की दुल्हन, दाल ढोकली या दाल टिकरी के नाम से जानते होंगे। ये बहुत ही टेस्टी होती है, गेहूं के आटे से बनती है और बहुत कम तेल मसालों में बन जाती है। यूपी की रीजनल डिश है, इसको वहाँ पे दाल का दूल्हा बोला जाता है। और ये कोई भी चटनी या मीठी खटमिठी सी आम की चटनी के साथ घी डाल करके खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इसके लिए मैंने एक कप दाल, इसमें अरहर और मसूर की मिक्स दाल है, इसको भिगो के रख दिया था। तो ये एक कप, जो चाय का कप होता है ना, उससे एक कप, आप घर में किसी भी इस तरह के कप से मेजरमेंट ले सकते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो एक दाल का ही भी बना सकते हैं, लेकिन जो मिक्स दाल का बनता है बहुत अच्छा लगता है। ये आधा कप मैंने चने की दाल लिया था, जिसको मैंने सोख करके रखा था, इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें दाल के ऊपर तक पानी रहे इतना पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें दाल में थोड़ा पानी रहेगा तो हम इसमें अच्छे से जो टिकिया डालेंगे इसको पकाएंगे। तो देखिए, मैं ऐसे उंगली की मदद से चेक कर लेंगे इतना पानी होना चाहिए। फिर हमने इसमें एक बड़ी प्याज काट कर डाल दिया है और दो बड़े टमाटर डाल दिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है यहाँ पे। और जितनी टेस्टी हमारी दाल होगी उतने ही टेस्टी हमारा दाल का दूल्हा बनेगा। तो आधा चम्मच हमने हल्दी डाला था, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला था, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला था और हमने एक चौथाई कप के करीब इसमें ऑयल डाल दिया था। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमको इसको प्रेशर दे करके दो सीटी तेज आंच पे और एक सीटी धीमी आंच पे पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हम गैस ऑन कर देते हैं। तो जब तक ये दाल पक रही है तो हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो इसके ऊपर डालने वाला एक हम मसाला तैयार करेंगे, जिसको मैं बताऊंगी कब डालना है। तो मैंने इसके लिए धनिया ले लिया है 2 टेबलस्पून, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और 5 लाल मिर्च लिया है। इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, बिल्कुल कुरकुरा सा रोस्ट हो जाए। तो धीमी आंच पे हमको इसको रोस्ट करना है और इसका हमें एक पाउडर बनाना है। तो मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह यूज करना है, तो इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। तो हम इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर देंगे, बिल्कुल जो मिर्चें भी हैं वो भी अच्छे से हो जाना चाहिए रोस्ट। देखिए इतना अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मिर्ची की डंडियों को तोड़ करके हमें इसे मिक्सर जार में डाल करके बारीक सा पाउडर बना लेना है। ये देखिए, हमने अच्छा सा पाउडर इसका बना लिया है। अब इस पाउडर को हम किसी डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, तो हम कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। और डब्बे में बंद करके रखने से इसकी खुशबू भी नहीं निकलेगी। अब हमने एक पैन में जो है 2 बड़े चम्मच टेबलस्पून हमने घी डाल लिया है और इसमें हम छोटी प्याज एक काट के डाल लेंगे। ये घी प्याज हम तल करके रखेंगे, जो कि हम दाल के ऊपर से डालेंगे। तो 3 से 4 मिनट लगेगा, इसको हम तेज आंच पे तल लेंगे। और जब घी हमारा तल जाएगा तो हम यहाँ पे बंद कर लेंगे गैस और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। आप पैन में मत छोड़िएगा, क्योंकि पैन गर्म रहेगा तो प्याज बिल्कुल काली हो जाएगी हमारी। तो हम इसको निकाल लेते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा हमारे दाल के दूल्हे में टेस्ट आएगा, आप ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, मैं यहाँ दाल में अदरक लहसुन पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने खोल के इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल करके मिक्स कर दिया है और इसको वापस से प्रेशर लगा दिया है। तो जब तक दाल पकती है की टिकिया की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप के करीब गेहूं का आटा लिया, उसमें जरा सा नमक डाल दिया है, मतलब 1/4 चम्मच के करीब। अब हम इसमें पानी डाल करके इसको जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमको आटा गूंद लेना है। आप यहाँ आटे में चाहे तो थोड़ी सी अजवाइन या थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। इसको अच्छे से बिल्कुल गूंद करके हमें इसका बिल्कुल रोटी का जैसा आटा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमको इसको बना लेना है। तो ये रेसिपी बिल्कुल अपने आप में एक कंप्लीट मील है, मतलब 1 पॉट मील भी इसे आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसको एक बार तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही आसान भी है। तो ये हमारा आटा गूंद गया है, देखिए इतना सॉफ्ट हमने गूंद लिया है। अब चलिए अब हम दाल चेक कर लेते हैं।
तो दाल तो हमारी अच्छे से गल गई है बिल्कुल, और बहुत अच्छी मसालेदार भी दिख रही है। अब जो चने की दाल है उसको हम हल्के हल्के ऐसे चम्मच से चला के हल्का सा मैश कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 ग्लास के करीब पानी डालेंगे। पानी हमको इसलिए डालना है क्योंकि हमको इसमें टिकिया पकाना है। अगर पानी कम होगा तो दाल बिल्कुल बैठ जाएगी और ये जो हम आटे की टिकिया इसमें डालने वाले हैं ये अच्छे से नहीं पकेगी। तो एक हम बड़ा सा पेड़ा लेकर के इसको ऐसे सर्कल में बेल लेंगे, और 1 ग्लास की मदद से जिसमें हम थोड़ा सा आटा ड्रायर लगा करके इसको कट कर लेंगे। आप इसमें किसी भी शेप का ही आटे की टिकिया बनाकर डाल सकते हैं, जो जैसा भी शेप चाहे, तो आप रोल करके पास्ते की तरह भी इसमें बना के डाल सकते हैं। लेकिन ये जो बनता है देखिए इतना मोटा बनना चाहिए, एक मरी बिस्किट जो होता है ना उससे थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए। और हम इसको जो ड्राई आटे में थोड़ा सा डस्ट करके डालेंगे, और जब हमारी दाल जो है तेज आंच पे पकने लगे, उबाल आने लगे, तब हमें इसे डालना है। तो ये आटा में डस्ट करके इसलिए डालना है ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना, और इससे हमारे दाल में और एक गाढ़ापन भी आएगा। तो आप इसी तरह बिल्कुल डालिएगा, और तेज आंच रहेगी तो ये जल्दी जल्दी पकेगा, तो ये एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। देखिए हमने ऐसे ही करके सारी टिक्कियां डाल दी हैं इसमें, और हम इसको अभी 15 से 20 मिनट के धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि ये आटा अच्छे से इसमें, बिल्कुल अच्छे से इसमें हो जाए और थोड़ा सा फूल भी आएगा। तो हम इसको पकने के लिए धीमी आंच पे रख देते हैं। तब तक हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक पैन में आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और 10 से 12 लहसुन की कलियों को हमको बारीक काट लेना है। लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, और हमने तेज आंच पे लहसुन तल लिया था, अब हमने आंच बंद कर दिया। अब हम इसमें मिर्चा और जीरा डाल करके इसको भी तेल में तल लेते हैं, तो इससे जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमने दाल को ले लिया है और यहाँ पे ये बघार डाल दिया है, इसको ढक के रख देंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए कितनी मज़ेदार ये दिख रही है। लेकिन अभी ये रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ा सा धनिया की पत्ती डालेंगे, और इसको जो खाने का तरीका है ना वो बिल्कुल अलग है। इसको जैसे प्रेजेंट करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे आपकी जो दाल के दूल्हे की टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हमको डिश आउट करना है। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं कि हमको इसको कैसे सजाना है। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, और टिकिया भी कितनी अच्छी सी फूल आई है, और बहुत अच्छे से बिल्कुल हो गई है। और ये दाल का दूल्हा तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको, और यूपी की ये बहुत ही फेमस डिश है, जो यूपी गया होगा उसने ज़रूर ये खाया होगा। तो देखिए अब हम इसमें जो हमने पाउडर बना के रखा था ना धनिया जीरा मिर्ची का, उसको अच्छे से बिल्कुल दिल खोल के यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो घी प्याज हमने बनाया था उसको भी हम डाल देंगे, और इसको आप किसी भी मीठी तीखी चटनी के साथ, अचार के साथ, या जैसे भी खाएंगे बहुत चटपटा बनता है। और थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती से इसको गार्निश कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आयशाज किचन।